क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहे हैं तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं अब लिखा है कि लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो है इलेवन एस टू तो लेंथ बाय ब्रेथ हमारा हो जाएगा 11 बाई फोर अब हमें फाइंड क्या करना है डायमेंशन ऑफ द प्लॉट मतलब लेंथ एंड ब्रेथ तो, तो रेशियो गिवन है अब लेंथ को हम ले लेंगे इलेवन और ब्रेथ को ले लेंगे फोर तो रेक्टेंगल में ये होता है लेंथ तो ये है 11x ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो ये भी हो गया 11x सिमिलरली ये ब्रेथ है 4x तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा 4x अब लिखा है कि एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट 75000 टू फेंस द प्लॉट अब फेंस हम चारों साइड लगाएंगे तो फेंस के लिए हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगा पेरीमीटर इनटू कॉस्ट पर मीटर अब कॉस्ट पर मीटर हमें हंड्रेड गिवन है और टोटल कॉस्ट सेवेंटी फाइव थाउजेंड गिवेन है और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड तो वो होगा इलेवन एक्स प्लस फोर एक्स प्लस इलेवन एक्स प्लस फोर एक्स विच इज इक्वल टू थर्टी एक्स तो ये पेरीमीटर आ गया थर्टी तो हमें ये इक्वेशन मिल गया अब तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा पहले इतना लिख लेते हैं लेंथ हो गया इलेवन एक्स ब्रेथ हो गया फोर एक्स अब पेरीमीटर हमारा आ जाएगा थर्टी एक्स मीटर अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर फाइंड करने का एक और मेथड भी होता है Which इज़ perimeter इज़ इक्वल टू two into l plus b लेंथ plus breadth. तो इससे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो ये आएगा टू इंटू तो तो दोनों मेथड से 30x ही आएगा अब हमें ये इक्वेशन मिल गया इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा सेवेंटी इंटू हंड्रेड थ्री थाउजेंड एक्स अब यहाँ थ्री थाउजेंड मल्टीप्लाइड है लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड होगा तो x आ जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड बाई थ्री थाउजेंड जीरो 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 कैंसिल थ्री टू जो सिक्स थ्री फाइव जो फिफ्टीन तो x आ गया हमारा ट्वेंटी फाइव अब हमें x नहीं फाइंड करना था हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना था तो लेंथ था इलेवन एक्स वो हो गया टू सेवेंटी फाइव मीटर एंड ब्रेथ था फोर एक्स वो हो गया हंड्रेड मीटर